हेलो फ्रेंड, टेक्नोलॉजी एक्सपेरिमेंट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की हम इस वीडियो में एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं जो कि दोस्तों एक रॉकेट लॉन्चर भी होगा और दोस्तों इससे कई प्रकार के पटाखे भी चला सकते हो काफी दूर से और ऑटोमेटिक सिस्टम रहेगा। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखा और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हम कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आप देख सकें। चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाँ तो दोस्तों कुछ इस प्रकार का लकड़ी का टुकड़ा ले लेना है। इस प्रकार के ये देख सकते हैं, ये इस प्रकार की और ये पाइप है, कुछ 2 सेंटीमीटर का पाइप है दोस्तों। इसको हम यहाँ पर इस प्रकार से लगा लेंगे और आप चाहें तो पीवीसी पाइप का भी यूज़ कर सकते हो, जो कि लाइट फिटिंग में यूज़ होने वाला पाइप होता है उसी में यूज़ कर सकते हो दोस्तों। और इसको हमने यहाँ पर इस प्रकार से लगाने के बाद दोस्तों इसको हम ग्लूगन वेस्ट ग्लूगन से दोस्तों इसको हम मजबूत करने वाले हैं, मतलब नीचे की तरह इसको, ताकि दोस्तों ये पाइप निकल लेना और इसको हम वेस्ट ग्लूगन को निकाल लेंगे सारे के। यहाँ पर मैंने इकट्ठी कर ली थी और आयरन की मदद से दोस्तों इनको हम पिघलाकर वहीं की वहीं सेट कर देंगे। तो दोस्तों हमने कुछ इस प्रकार का पीवीसी टुकड़ा ले लिया और वो भी सेट कर दिया है पाइप को। और यहाँ पर पीवीसी टुकड़े को दोस्तों इस प्रकार से यहाँ पर लगाने वाले हैं और इसको हम यहाँ पर ऊपर की साइड लगाने वाले हैं यहाँ पर कुछ इस प्रकार से। और दोस्तों इनमें हॉल भी कर लिए हैं और 1-1 mm के हॉल कर लिए हैं और ये लेंगे एक वायर में दोस्तों मजबूती वायर का यूज़ करें दोस्तों। और कुछ इस प्रकार के हमने एक वायर को भी इसी प्रकार से आपको ज्वाइंट करने लेना है इसी एक नट को लेके। दोस्तों आपको ये डिस्प्ले पर आपको शो हो रही है इसी नाम से इंस्टाग्राम पे या फिर फेसबुक पे दोस्तों आपको हमें फॉलो कर लेना है और वहाँ पर मैसेज करके आप पूछ सकते हो हमसे, चाहे कुछ भी को देखने के बाद कर सकते हो आप। हाँ तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से हमने इसको भी यहाँ पर नट लगा दिए और इसमें भी दोस्तों यहाँ पर नट लगा दिए। अब हम इसको यहाँ पर लगाने वाले हैं इस प्रकार से, देख सकते हैं यहाँ पर इसको रखेंगे और यहाँ पर हम इसको ड्रिलिंग मशीन से लेंगे दोस्तों। एक दोस्तों इधर की साइड कर लेंगे यहाँ पर और कुछ इस प्रकार से हमने हॉल कर लिया। अब हम एक स्क्रू लेंगे दोस्तों 2 और यहाँ पर स्क्रू ड्राइवर की मदद से दोस्तों इसको खस देंगे दोनों को ही, एक इस प्रकार से यहाँ पर कस दिया, एक यहाँ पर कस देंगे दोस्तों। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से हमने कस दिया है। अब हम इसको, ये ऊपर वाला है दोस्तों, इसको हम यहाँ पर पाइप के ऊपर लगाएंगे यहाँ पर कुछ इस प्रकार से और यहाँ पर हमने लगा दिया दोस्तों। और इसको हम दोस्तों कुछ इस प्रकार से हमने कस दिया है यहाँ पर और यहाँ पर देख सकते हैं बीच में एक नट डाल के यहाँ पर कस दिया है। अब हम एक पैर के लिए दोस्तों टेपिंग लगा दिए हैं यहाँ पर, वेपर टेप लगाया है दोस्तों और यहाँ पर कुछ इस प्रकार से टेप भी लगा दिया है। अब हम लेंगे नाइक्रोम वायर दोस्तों, आप चाहें तो बटन धोने वाला होता है जूना, उसका वायर भी यूज़ कर सकते हो दोस्तों, वो काफ़ी मस्त काम करता है। और इस प्रकार से हम यहाँ पर लगाने वाले हैं, देख सकते हैं यहाँ पर कुछ इस प्रकार से मोड़ के दोस्तों लगा देंगे। एक हम लेंगे 12 वोल्ट की बैटरी, 18650 एक लैपटॉप की बैटरी को ही यूज़ करें दोस्तों। और यहाँ पर हम डबल वाली टेप लगा देंगे इस प्रकार से और यहाँ पर हम इन टेपों को हटा करके और यहाँ पर कुछ इस प्रकार से, यहाँ पर इस प्रकार से एक कोने में दोस्तों इस बैटरी को रख देंगे कुछ इस प्रकार से, देख सकते हैं यहाँ पर ये रख दिए। अब हम वायर के कनेक्शन करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों कनेक्शन ऐसे करना है, एक बैटरी का एक वायर और नाइक्रोम दोनों एलिमेंट के एक एक वायर को दोस्तों ज्वाइंट कर देना है और रेड को हमें एलिमेंट के एक साथ ज्वाइंट कर देना है। और दोस्तों इस प्रकार से यहाँ पर इस प्रकार से शॉर्ट होगा और यहाँ पर इस प्रकार से जलेगा दोस्तों। अब हम लेंगे कल एक लंबी डोरी जो कि दोस्तों 3 मीटर होगी लमसम और यहाँ पर हम इसको स्विच की तरह यूज़ करने वाले हैं। एक लेंगे बैटरी का और एक लेंगे नाइक्रोम वायर का दोस्तों, ये एलिमेंट का, और यहाँ पर हम कनेक्शन कर देंगे और यहाँ पर एक स्विच लगाएंगे ताकि हम दोनों को जॉइंट करें दोस्तों और एलिमेंट हमारे काम करें दोस्तों। इस प्रकार से हम इसको स्विच को कनेक्शन कर देंगे और कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं यहाँ पर इस प्रकार से जलेंगे दोस्तों। यहाँ पर हम डायरेक्ट जला रहे हैं आपको, अब हम स्विच से आपको पटाखे जला के दिखाएंगे। और यहाँ पर हम वायरिंग इसकी सेट कर देंगे ग्लूगन से ताकि हमारे वायर खिंचे ना, और हम टेपिंग से भी कर देंगे दोस्तों। और यहाँ पर हम मेन वायर को दोस्तों ग्लूगन से लगा देंगे ताकि हमारा वायर खिंचे ना, और यहाँ पर कुछ इस प्रकार से हमने लगा दिया। अब हम हाँ तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से बन के रेडी हो चुका है, देख सकते हैं ये पुश स्विच है दोस्तों और ये केबल है दोस्तों, और यहाँ पर हमने टेपिंग कर दी है मस्त। और यहाँ पर इस प्रकार से ये ऊपर वाला एलिमेंट है, ये नीचे वाला दोस्तों। हाँ तो दोस्तों हम ले आए वायर और यहाँ पर हम मिर्ची बम को रखते हैं यहाँ पर एलिमेंट के बीच में और यहाँ पर इस प्रकार से यहाँ पर पुश स्विच दबाया। तो दोस्तों ये दूसरा वाला मुर्गा छाप है और यहाँ पर हमने इस प्रकार से लगा दिया है
यहाँ पर कुछ स्विच दबा दिया, देख सकते हैं ये जल रहा है। पटाखे की ये बत्ती सी है, यहाँ पर ये छोटा सा होल हो रहा है, यहाँ पर हम इसको स्पीकर से लगा देंगे और हम इसको चला के देखते हैं। कुछ स्पीकर से दूर हट गए हम। चलिए दोस्तों अब हम रॉकेट को चला के देखते हैं। इस प्रकार से हमने रॉकेट रखा और ये नाइक्रो वायर है, ये इस प्रकार से यहाँ पर इसकी पीछे की साइड रहे, यहाँ पर इस प्रकार से रखेंगे। अब हम इसको चला के देखते हैं। हाँ तो दोस्तों हम नाइट में भी टेस्ट कराएंगे आपको रॉकेट बम। इस प्रकार से देख सकते हैं, इस प्रकार से यहाँ पर हमने इसको रॉकेट को रख दिया है। अब हम दूर सेफ्टी के लिए जाते हैं और यहाँ पर कुछ इस प्रकार से चालू करते हैं इसको। अच्छा पटाखे को भी जला के देखते हैं। यहाँ पर हम इस प्रकार का होल है दोस्तों, यहाँ पर रखते हैं और सेफ्टी के लिए हम दूर जाते हैं। होप दोस्तों ये प्रोजेक्ट आपको अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें।